ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओमकार हूँ, मुझे हर रूप में देखा जा सकता है। ज्ञानियों के लिए निराकार और भक्तों के लिए साकार हूं। मैं ओंकार। नारद आकाश मार्ग से जाते हुए देखते हैं कि ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या सहित धरती पर पड़े अकाल से मुक्ति के लिए वरुण देव की उपासना और आवाहन कर रहे हैं। गगन विहार करते हुए इंद्र व इंद्राणी को नारद प्रताड़ित करते हैं, वरुण देव को भी कर्तव्य बोध कराते हैं। वरुण देव गौतम ऋषि के पास जाकर जल कुंड प्रदान करते हैं, किंतु वहां के ऋषियों की पत्नियां इसी विषय को लेकर अपने अपने पतियों पर व्यंग बाण चलाती हैं, यहां तक के कुंड पर जाकर विवाद भी उत्पन्न करती हैं। तत्पश्चात अपने पतियों को यज्ञ करने के लिए बाध्य करती हैं। यज्ञ देवता प्रकट होते हैं तथा विवश होकर गौतम अहिल्या को गौ वध के षड्यंत्र में फंसाते हैं। तब ऋषि व ऋषि पत्नियां उन दोनों का बहिष्कार कर उन्हें शुद्धि के लिए ब्रह्मगिरी की 3 बार परिक्रमा और गंगा का आवाहन करने के लिए बाध्य करती हैं। इसी कारण ऋषि गौतम और देवी अहिल्या ने अपने शुद्धिकरण के हेतु भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या संभावना ही नहीं। मैं आपकी अद्भुत लीला देखकर आ रहा हूँ। पता नहीं ब्रह्मदेव ने तुम्हारा नाम नारद क्यों रख दिया। तुम्हारा नाम तो लीलाकारी और लीला दर्शक होना चाहिए था। आप बताओ तुम क्या देखकर आए हो। माता, अत्यंत दारुण दृश्य देखा है मैंने। कहो तो क्या देखा है तुमने। वाणी साथ नहीं दे रही भोलेनाथ। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को गौ हत्या के झूठे आरोप में कठोर प्रायश्चित करना पड़ रहा है। किसने लगाया है उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप। सह्याद्रि क्षेत्र के ऋषियों और उनकी पत्नियों ने। ये तो अनर्थ है। अन्याय है माता, अन्याय। और ये अन्याय भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे देख रहे हैं। नारद, जगत के साधारण प्राणियों को जो न्याय अथवा अन्याय की स्थिति दिखाई देती है वो मूल रूप से विधि की रचना होती है। गौतम और अहिल्या धर्म के मार्ग पर
नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रायश्चित नाम की इनकी रचना पूर्ण होते ही दोनों का नाम धार्मिक जगत में अमर हो जाएगा और दोनों सर्वोच्च यश के भागी होंगे। वो कैसे भोलेनाथ? नारद, दूसरों को धीरज धारण करने का उपदेश देते रहते हो, कभी कभी ये कार्य स्वयं भी कर लिया करो। नारायण नारायण। ॐ नमः शिवाय। 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 इतनी आराधना करने पर भी तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा है? होगा कैसे? गौहत्या के पाप के कारण सारी तपस्या व्यर्थ हो चुकी है। यदि तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हो गया होता तो गंगा यहाँ अवश्य अवतरित हो जाती। अब तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उत्तर नहीं दे दी? कहना नहीं मानती, जाती नहीं यहाँ से। ले ले, जाती है। महर्षि गौतम, सती अहिल्या, भगवान शिव, माता पार्वती, तुमने शांत मन से समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों और विपदाओं का सामना किया है और हमारी आराधना की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। आप धन्य हैं, ऋषिवर गौतम और देवी अहिल्या, आप धन्य हैं। आप दोनों ने शिव आराधना करके हम तीनों को प्रसन्न किया है। आपकी तपस्या अन्य ऋषियों के लिए आदरणीय होगी। आपकी शिव आराधना हम तीनों को प्राप्त हुई है, इसलिए आप हम तीनों से वरदान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो गया। हरि हर ब्रह्मा जी, आप तीनों तथा माता पार्वती के दर्शन की प्राप्ति से बढ़कर और क्या इच्छा अथवा वरदान हो सकता है? किंतु परमपिता, ऋषियों के निर्देशानुसार हमारा प्रायश्चित तभी पूर्ण होगा जब हम गंगा जल से स्नान करेंगे। आपसे प्रार्थना है कि हमें गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए गंगा मैया को यहाँ प्रकट करें। देवी अहिल्या, गौ हत्या का पाप जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, वह तो आप पर आरोपित किया गया है। वह तो इन ईर्ष्यालु व धृष्ट ऋषियों व उनकी पत्नियों का षड्यंत्र था, जिन्होंने ऋषि गौरव को कलंकित किया है। देवेश्वर, इन पापियों को उचित दंड अवश्य दें। नहीं देवेश्वर, ये दंड के भागी नहीं हैं, हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यदि ये हमें प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित नहीं करते तो हमें आप त्रिदेवों के दर्शन कैसे प्राप्त होते? इनकी कृपा के परिणाम स्वरूप ही हमें आपकी कृपा तथा दर्शन प्राप्त हुए हैं। इन्हें क्षमा कर दें भगवान, इन्हें क्षमा कर दें। माता पार्वती, भगवान सदाशिव, हमारा प्रायश्चित तब तक अधूरा है जब तक यहाँ गंगा प्रकट नहीं होती। ऋषियों की मान्यता के अनुसार गंगा के पावन जल के स्पर्श से ही हमारी पूर्ण शुद्धि होगी, अतः जनहित में गंगा अवतरण करें प्रभु। आप महान हैं महर्षि गौतम, सहनशीलता और क्षमाशीलता की प्रतिमूर्ति हैं आप।
अहित और शत्रु भाव रखने वाले के प्रति तो प्राणी हिंसक हो उठता है, किंतु आपने प्रेम, सहनशीलता, क्षमा भाव और लोकहित का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जगत उससे शिक्षा ग्रहण करता रहेगा। ये भी आपकी कृपा का ही परिणाम है भगवान। देवी गंगा प्रकट, 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 देवी गंगा प्रकट। गंगा मैया की जय, 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 गंगा मैया की जय। देवेश्वर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवी गंगा, तुम्हें महर्षि गौतम वो उनकी पत्नी अहिल्या के कामना का सम्मान करते हुए गोमती नाम से इस जलकुंड में निवास करना होगा। तत्पश्चात यहीं से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होना होगा। ब्रह्मगिरी से पूर्वी समुद्र तक तुम्हारा प्रवाह जन जन का कल्याण करेगा। त्रिदेवों की आज्ञा से विमुख होने का ना मुझमें साहस है ना शक्ति, और फिर ये लोक कल्याण का कार्य है जिसे मैं सहर्ष करूंगी। किंतु इस लोक कल्याण के कार्य के लिए मुझे आपसे एक आश्वासन चाहिए देवादिदेव। कैसा आश्वासन गंगे? यही कि आप तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर माता पार्वती सहित गौतम ऋषि द्वारा आराधित इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए निवास करें। अवश्य, हम तुम्हारी ये सद्भावना पूर्ण कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हम तीनों देव पार्वती सहित इस शिवलिंग को अपनी अपनी ज्योति प्रदान करते हैं। अब ये परम पावन ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा और वैवस्तव मतवंतर के 28वें कलयुग तक जन जन की कामना पूर्ण करता रहेगा। परम पिता ब्रह्मा की जय, श्री हरिहर विष्णु की जय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। लिंग बना के गौतम ऋषि जब शिव की साधना करने लगे, तब गौतम अहिल्या सम्मुख शिव शंकर जी प्रकट हुए। गौतम ऋषि की सुन के प्रार्थना गंगा गौतमी भी आई, वहाँ की गंगा गौतमी बाद में नदी गोदावरी कहलाई। भोलेनाथ का ज्योतिर्मय लिंग सबसे त्र्यंबक कहलाया, मनोवांछित फल पाया जिसने इनका दर्शन पाया। श्रद्धा से जो आते यहाँ पे होते मनोरथ उनके सफल, शिवमय होके रह जाता है उनके जीवन का हर पल। शिव की जय हो, शिव की जय हो, शिव की जय हो, शिव की जय हो।
देवी अहिल्या तथा ऋषि गौतम की प्रार्थना पर भगवान शिव ने माँ गंगा को पुकारा और देवी गंगा ने प्रकट होकर ऋषि गौतम व उनकी पत्नी अहिल्या का सम्मान करते हुए ब्रह्मगिरी के जल कुंड में निवास किया तथा गंगा गोदावरी के नाम से जलधारा बनकर बहने लगी। धन्य है शिव भक्त गौतम और अहिल्या, किंतु एक अन्य शिव भक्त विदर्भ के राजा सत्यरथ की कथा शिव को तथा शिव कृपा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। विशेष महत्व का है। आज आपको भगवान शिव को सहस्त्र आहुतियाँ देनी है। प्रिय, मुझे गुरुदेव की बताई गई विधि के अनुसार व्रत की विधि पूर्ण करनी है। इस सत्य का मुझे ज्ञान और स्मरण है। शास्त्र आहुतियाँ पूर्ण किए बिना मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। भगवान विशेश्वराय स्वाहा, ओम महादेवाय स्वाहा, सदा शिवाय स्वाहा, ओम नागेश्वराय स्वाहा, ओम सर्वेश्वराय स्वाहा। महाराज सत्यरथ की जय। महाराज सत्यरथ की जय। महाराज सत्यरथ की जय। महाराज, हम आपके कट्टर शत्रु केतु ध्वज को बंदी बना लाए हैं। रुक जाइए स्वामी। महारानी, हमारा कट्टर शत्रु अब हमारे वश में है। हम इसी समय उसका शिरोच्छेद कर प्रतिशोध की अपनी ज्वाला को शांत करेंगे। स्वामी, प्रदोष व्रत का त्याग कर उठ जाना उचित नहीं है। पहले आप पूजा पूर्ण करें, तत्पश्चात ही कोई अन्य कार्य करें। नहीं महारानी, शत्रु सामने है, प्रतिशोध की भावना भीतर है। हम 1000 आहुतियां देने तक धैर्य धारण नहीं कर सकते। जब तक हम अपने शत्रु का कटा सर नहीं देख लेते, हमारी क्रोधाग्नि शांत नहीं होगी। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। प्रभु, मेरे स्वामी आपकी पूजा अधूरी छोड़कर चले गए हैं। पूजा अधूरी छोड़ना महापाप है। मेरे पति के इस पाप को क्षमा करें प्रभु। केतुध्वज, अब महाराज सत्यरथ तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु के मुख में जाने से पूर्व भगवान का स्मरण कर लो। केतुध्वज, आज तुम हमारे सामने बंदी बने हुए खड़े हो। और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में है। क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। अपना राज्य आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ। महाराज, मुझे क्षमा करें। केतुध्वज, तुम पराजित हो चुके हो, इसलिए हमारे अधीन तो हो ही चुके हो। और हारे हुए शत्रु का राज्य भी विजयी राजा के अधीन होता है। सब कुछ आपके अधीन है महाराज, परंतु मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। तुझे क्षमा कर दिया तो मेरे मन को शांति कैसे प्राप्त होगी? क्षमा कर देने से तो मन को असीम और परम शांति प्राप्त होती है महाराज। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। नहीं, जब तक हम तुम्हारे मस्तक को तुम्हारे धड़ से पृथक नहीं कर देंगे, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। नहीं, 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 नहीं। महाराज सत्यरथ की जय। महाराज सत्यरथ की जय। महाराज सत्यरथ की जय।
महामंत्री। आज्ञा दे महाराज। हमारा कट्टर शत्रु केतु ध्वज समाप्त हो गया है। प्रकट सत्य है महाराज। महारानी, महारानी, महारानी। हाँ स्वामी। आज हमारे जीवन का सबसे अधिक हर्षमय दिन है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने अपने सबसे बड़े शत्रु को धराशायी कर दिया है। अपने इन्हीं हाथों से हमने अपने जनजात शत्रु का वध किया है। हाँ स्वामी, आज आप अत्यधिक प्रसन्न हैं। क्यों ना हो प्रसन्न। केतु ध्वज ने वर्षों हमें चैन से सोने नहीं दिया। जीवन भर जो मन में कांटा चुभता रहा वो आज निकल गया है। आज हम चैन की नींद ले सकेंगे। चैन की नींद राजा सत्यरथ के भाग्य में नहीं थी, क्योंकि उसने शिव प्रदोष व्रत की पूजा के संकल्प को अधूरा छोड़कर भगवान शिव की घोर अवज्ञा की थी। महारानी सूरथा ने भी एक प्रकार से पति के इस कार्य को समर्थन ही दिया था। समय व्यतीत होता गया। महारानी गर्भवती हुई और अपने गर्भ की अंतिम अवस्था में महारानी ने राजा सत्यरथ से वन विहार की इच्छा प्रकट की, किंतु उन्हें क्या ज्ञात था कि शिव अवज्ञा का घोर पाप काल बनकर उन्हें निगलने वाला है। सत्यरथ, तेरे और तेरी महारानी के भाग्य में आनंद कहां? केतु ध्वज का ये पुत्र वृषध्वज मृत्यु बनकर तेरे वंश को निगल जाने के लिए विकल है। तूने मेरे पिता की निर्मम हत्या की थी। उसी पिता का ये पुत्र वृषध्वज तुझे प्राण दंड देगा। रे हत्यारे, जो पीड़ा तूने मुझे दी थी वही पीड़ा मैं तुझे दूंगा। प्रतिशोध लूंगा मैं, प्रतिशोध। महाराज, महाराज, विदर्भ राज सत्यरथ अपनी महारानी के साथ वन विहार के लिए इसी मार्ग से जा रहे हैं। आजा सत्यरथ, आजा। आज तेरा दुर्भाग्य और मेरा सौभाग्य एक ही केंद्र में जा रहे हैं। का युवराज और आपका उत्तराधिकारी शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। आप उसके स्वागत की तैयारियां आरंभ करें। हमारे आने वाले युवराज के स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं महारानी। उसके जन्म का उत्सव तो हम अपने शत्रु के मरण के उत्सव से भी अधिक धूमधाम से मनाएंगे। मृत्यु का प्रतिशोध मैं तुम्हारे मस्तक को धड़ से पृथक करके लूंगा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे आत्मा की शांति चाहिए। क्षमा करो वृषध्वज, मुझे क्षमा करो। क्षमा नहीं, प्रतिशोध। सुरथा कहाँ गई? तेरे गर्भ में मेरे शत्रु का पुत्र पल रहा है। मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा सुरथा, तुम्हारे साथ साथ मैं उसका भी वध कर दूंगा। शत्रु से रक्षा करो।
भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। भोलेनाथ, शिवालय में आपकी शरण में आता है रुदन से मुक्त होने के लिए, किंतु यहाँ एक नवजात बालक आपकी शरण में रुदन कर रहा है। नारायण नारायण, हे भोलेनाथ, इस नवजात बालक का रुदन मुझसे सहन नहीं होता। त्रिकालदर्शी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आज तुम्हारे स्वर में उत्साह और उल्लास नहीं, पीड़ा है नारद। भोलेनाथ, भीतर से पीड़ित हूं और भीतर से निकला हुआ स्वर पीड़ा में भीगा हुआ ही होगा ना। भीतर की पीड़ा का कारण? ऐसा कौन सा कार्य और कारण है जो आपको ज्ञात नहीं भोलेनाथ? राजा सत्यरथ मारे गए और उनकी रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। शिवालय में पड़े उनके नवजात शिशु का रुदन मन को विदीर्ण कर देता है। इतना सब जानते हो नारद, तो क्या ये नहीं जानते कि राजा सत्यरथ ने प्रतिज्ञा करके उसका निर्वाह नहीं किया? प्रतिज्ञा करके उसे ना निभाने का ही दुष्परिणाम है। मान्य है भोलेनाथ, मुझे मान्य है,
किंतु इसमें उस नवजात शिशु का क्या दोष है? वो अबोध तो आपकी शरण में पड़ा विलाप कर रहा है भोलेनाथ। निर्दोष और शरणार्थी को दंड नहीं मिलेगा नारद, उसकी रक्षा अवश्य होगी। अरे ये किसका बच्चा रो रहा है शिवालय में? अपने बच्चे को यहाँ सुनसान में छोड़कर चली गई, नवजात बालक को यहाँ छोड़कर जाते हुए उसकी छाती भी नहीं फटी, ऐसी भी कोई माँ होती है? अरे अरे राजा बेटा, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? अभी आती है तुम्हारी माँ, अभी आती है। ये बालक किसका है? देखिए महाराज, ये बालक मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला है, ये कौन है मैं नहीं जानती, इसकी माता कौन है मैं ये भी नहीं जानती। आप यहाँ रहते हैं, आपको ज्ञात होगा, बताइए महाराज ये बालक किसका है, इसकी माता कौन है? देवी अब तुम ही इसकी माता हो। मैं इसकी माता? मैं तो जानती भी नहीं कि ये बालक है कौन। ये स्वर्गीय राजा सत्यरथ का पुत्र है। राजा ने प्रदोष पूजा की अवज्ञा कर उसे अधूरा ही छोड़ दिया था, उसी अपकर्म के कारण इसके माता पिता को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। बम 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 बम। किंतु तुम्हारे लिए ये चिंतामणि रत्न के समान सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। अब तुम पुत्रवत इसका लालन पालन करके अपने पुत्र के साथ साथ इसे भी पुत्र का ममत्व व स्नेह प्रदान करो। बम 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 बम। महाराज मैं बहुत समय से आप जैसे महात्मा की खोज में थी। वो किस लिए देवी? मैंने अब तक अपने पुत्र का नाम नहीं रखा है, उसे केवल लल्ला कहकर पुकारती हूँ। आप मेरे पुत्र का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए महाराज। बम 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 बम। विधाता भी कैसे संयोग बनाता है, मुझे यहाँ भेज दिया तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का नामकरण करने के लिए। तो फिर बताइए महाराज इनके नाम। तुम्हारे इस बड़े पुत्र का नाम है शुचिव्रत। शुचिव्रत? हाँ। और छोटे का जो तुम्हारी गोद में है इसका नाम होगा धर्मगुप्त। इन दोनों का लालन पालन करने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। बम 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 बम। आपकी कृपा और उपकार से आज मेरा एक बड़ा कार्य पूर्ण हुआ है महाराज। तुम्हारा कल्याण हो देवी। बम 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 बम। तुमने किसी गर्भवती स्त्री को इधर से भागते हुए देखा है? नहीं नहीं महाराज, मैंने किसी को नहीं देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Come on.
tum 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 tum